नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनल सोसा कैंडल से और आज हम सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की कैंडल्स बनाना। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही मैं कैंडल्स है जो अपने दिनचर्या में अपने स्मॉल बिजनेस के लिए बनाती रहती हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत रोमांचक और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बबल कैंडल्स बनाएंगे, फीमेल बॉडी कैंडल्स बनाएंगे और डेविड स्कल्पचर से इंस्पायर्ड एक डेविड कैंडल बनाएंगे। जो आपने मुझे लास्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आपने लाइक किए, सब्सक्राइब किए, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और यही मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप ये जारी रखिए, मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आऊंगी। तो पहले मैं जो अपने मोल्ड्स है जो मैंने अमेजोन से खरीदे हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी, और जो हम वीडियो में यूज करने वाले हैं मटेरियल्स जैसे कि वैक्स, विक्स और दूसरे आदि मटेरियल्स, वो हम सब देख लेंगे, उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो में हम बनाने वाले हैं बबल कैंडल्स। एक छोटा बबल है, एक बड़ा बबल है, दूसरा है हमारा डेविड कैंडल और थर्ड है फीमेल बॉडी कैंडल्स। ये एक छोटा फीमेल बॉडी है और एक बड़ा फीमेल बॉडी है। जो एंड रिजल्ट है काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक के देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कैंडल मेकिंग प्रोसेस अभी। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये मेरे मोल्ड्स हैं, यहाँ पे है मेरी कैची, यहाँ पे मेरे कैंडल का धागा है और मेरा कैंडल के धागे को होल्ड करने के लिए मेरे पास चॉपस्टिक्स है और क्लिप्स भी है। तो इन दोनों में से एक का हम इस्तेमाल करेंगे और मेरे पास सुई भी है जिससे मैं छेद करूंगी अपने मोल्ड्स में। पहले मैं क्या करूंगी, अपने धागे को मेजर आउट कर लूंगी कि मुझे कितना धागा लगेगा। भी जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पे, सो दैट इसको सपोर्ट भी मिले। और मैं उसको काट दूंगी और अभी इससे सिर्फ मैं थोड़ा सा अंदर पुश कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत पतला सा मोल्ड है तो इसमें ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरा छेद बन गया, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ये मेरा दूसरा मोल्ड है, ये थोड़ा सा मोटा सा है तो इसको मैं पहले टर्न कर देती हूँ एंड अगेन इसको मैं मेजर आउट कर देती हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीजिए हमेशा, हमेशा कट टू कट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी अगर सपोर्ट नहीं मिले तो आपका जो विक है वो अंदर डूब जाएगा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा फिर पूरा प्रोसेस करके भी। अभी इसको मैं अगेन इससे प्रेस कर दूँगी। जैसे ही मैंने प्रेस किया, सामने से रस्सी अंदर आ गई है तो मुझे बस इसको थोड़ा सा ऊपर पुल करना है। देखिए कि मैंने बॉटम में ना थोड़ा रस्सी रखा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने बॉटम में थोड़ा एक्स्ट्रा रस्सी रखा है, तो आप वैसा ही रखिए। रस्सी में बिल्कुल भी, विक्स में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। हम चाहते हैं कि जैसे हम अपना कैंडल बनाए तो स्टार्ट टू फिनिश सब अच्छे से हो जाना चाहिए। ये हमारा अभी विक हो गया है, इसको सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इसका डायमीटर बहुत बड़ा है तो मैं ये चॉपस्टिक्स लूँगी सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे बस ऐसे करके इसको रख देना है और फिर पोर कर देना है। सिमिलरली इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मैं ये चिप, ये क्लिप्स यूज़ कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से सपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें भी चॉपस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से बैठ जाता है और कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं होती, विक भी अच्छे से सपोर्ट हो जाता है। तो ऐसे करके हमको अपने विक्स को सपोर्ट देना है तो वो स्ट्रेट रहे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, अपना वैक्स लेके आऊँगी। इस वीडियो के लिए भी मैं सोया वैक्स ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सोया वैक्स बहुत इको फ्रेंडली है और उसका सेंट होल्ड भी अच्छा है एंड बहुत ही बहुत अच्छा वैक्स है कैंडल्स बनाने के लिए। सो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप सोया वैक्स ही यूज़ कीजिए,
फॉर अपने जो डेकोरेटिव कैंडल्स है उसमें तो आपको सोयावैक्स ही यूज़ करना चाहिए। और जो हमारा सोयावैक्स है वो भी डिफरेंट काइंड्स का होता है। जो जार वाला सोयावैक्स होता है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, वो ज़्यादा प्योर रहता है। और जो पिलर वैक्स रहता है या जो डेकोरेटिव कैंडल्स वाला वैक्स रहता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो आप जब भी आप ख़रीदोगे तो आप इसका ध्यान दीजिए कि ज़्यादा सॉफ्ट वैक्स लोगे तो वो होल्ड ही नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा हाई हार्डनेस वाला वैक्स चाहिए। और अगर आपको सजेशंस चाहिए तो मैं आपको अमेज़ॉन के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मैंने बहुत बार इन लोगों से परचेस किए हैं तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इनका रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छा होता है, तो आप आँख बंद करके यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो मेरा वैक्स दोनों में मैंने पोर कर दिया है, ठीक है। दो मैंने कलर्स लिए हैं जो मैं यूज़ करूँगी, और ये एक फ्रेग्रेंस भी है। और ये सबको मिक्स करने के लिए आइसक्रीम स्टिक्स है। तो पहले मैं क्या करूँगी, अपना जो छोटा बबल कैंडल है उसमें मैं पोर कर लूँगी। अगर आपके पास कलर्स है तो कलर्स यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है उससे। अपने हिसाब से कलर्स यूज़ कीजिए, जैसे कि मुझे थोड़े लाइट कलर्स पसंद आते हैं तो मैं ज़्यादा कलर नहीं यूज़ करती, 2 से 3 ड्रॉप में काम हो जाता है। पर अगर आपको डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा कलर यूज़ करना पड़ेगा, तो अपने हिसाब से कलर्स को यूज़ कीजिए। अब जैसे मैंने कलर डाल दिया है इसको मैं मिक्स कर दूंगी। कलर्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जो अपने लिक्विड कलर्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दूसरे होता है चिप्स या ब्लॉक्स। आप जो भी कलर यूज़ करो मेक श्योर करना कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्ब्स ना रहे, क्योंकि जब आपका कैंडल बन जाएगा ना वो लम्ब्स आपको दिखेंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपका जो भी आप कलर या डाई यूज़ कर रहे हो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें और एक चीज़ है कि बिकॉज ये बहुत पतला सा मोल्ड है बबल कैंडल वाला, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि ये ना दब जाता है। तो इसको हम क्या करें जिससे हमारा कैंडल दबे ना और अच्छे से आए, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करती हूँ जो मैं आपको आज रिवील करने वाली हूँ। मेरे पास है कि ये है नैपकिन। तो मैं क्या करती हूँ यूजुअली, जब भी मैं कैंडल अपनी बबल कैंडल पोर करती हूँ तो मैं अपना नैपकिन पहले रख देती हूँ नीचे और उसके ऊपर अपना बबल कैंडल रख देती हूँ। इससे क्या होता है, बिकॉज ये मोल्ड पतला सा है उसको थोड़ा कुशनिंग मिल जाता है, और उसका जो जैसे हम वैक्स डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसका शेप पकड़ लेता है। तो ये आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने ट्राई किया और आपका आउटकम कैसा लगा। तो अभी मैं पोर कर लेती हूँ। मैंने इसमें कलर डाला है, सेंट नहीं डाला है। जो नेक्स्ट वाला है उसमें मैं सेंट डालूँगी, इसमें सिर्फ मैं कलर से ही पोर करूँगी। तो ये सिलिकॉन का कंटेनर है, इसको भी मैं लिंक कर दूँगी, अगर आपको परचेज करना हो तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी टू यूज़ है ये। स्लोली स्लोली पोर करना है, कोई घाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर घाई करने जाओगे तो आपका वैक्स गिर जाएगा या कुछ और हो जाएगा, उससे अच्छा है धीरे धीरे करो पर अच्छे से करो। हो गया ये मेरा वैक्स फिल, अभी मैं इसको साइड में रख दूँगी। मेरा जो नेक्स्ट वैक्स है यहाँ पे है, जो मेरा नेक्स्ट वाला बड़ा बबल कैंडल है उसके लिए मैं ब्लू कलर यूज़ करूँगी और उसमें मैं थोड़ा सा सेंट्स भी डालूँगी। तो यहाँ पे मेरा वैक्स रेडी है, अभी मैं थोड़ा सा कलर लूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए मुझे, पेस्टल कलर्स अच्छे लगते हैं, तो मैं बस इतना सही डालूँगी, कुछ ही ड्रॉप्स में काम बन जाता है। तो और इसको बस आराम से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितने आराम से पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। तो मिक्स करने में भी थोड़ा, अगर 10 सेकंड 15 सेकंड मिक्स करने में लगा रहे हो तो ले लो, क्योंकि आगे जाके अगर कलर नहीं मिक्स हुआ तो प्रॉब्लम होगा। और सेंट डाल रही हूँ, सेंट भी मुझे बस डेकोरेटिव के हिसाब से है, तो मैं ज़्यादा मेजर आउट करके नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, एक स्लाइट सटल सेंट चाहिए मुझे, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ही लिया है मैंने। और इसको भी मैं वापस खोल लूँगी। जैसे ही आपने सेंट भी डाल दिया उसको एक मिनट तक के अच्छे से
गोल करके मिला लीजिए। अच्छे से मिल गया ना तो उसका सेंट बहुत अच्छा आएगा, अगर अच्छे से नहीं मिला तो वो सेपरेट हो जाएगा वैक्स से और अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करो, मेक श्योर करो कि अगर 5-10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दिया और अच्छा आउटकम हुआ तो वो बेटर है, वरना घाई घाई में काम भी अच्छा नहीं बनेगा। ये मेरा पूरा मिक्स हो गया है, अभी मैं इसको पोर करूँगी। फिर मैं धीरे धीरे इसको पोर कर रही हूँ। देखिए बहुत बड़ा मोल्ड है तो हमको ट्राई करना है कि जितने धीरे हो सके उतना करें, क्योंकि ना अगर हम ज़्यादा फास्ट करेंगे तो उसमें बबल्स आ जाएंगे, तो हमको बबल्स को नहीं आने देना है और जितना धीरे हो सके उतना कंसिस्टेंटली पोर करना है। अभी ये ऑलमोस्ट मैंने ऑलमोस्ट 500 ml यूज़ किया था, फिर भी थोड़ा कम पड़ गया है, तो मैं भी इसमें थोड़ा और वैक्स डालूंगी। मैंने थोड़ा और वैक्स लिया है, इसमें बस थोड़ा सा कलर डालूंगी मैं, क्योंकि मैंने कम वैक्स लिया है तो कम कलर भी लूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि ये जो कलर है ना मेरा मैच हो जाए, क्योंकि ऑड नहीं लगना चाहिए। और थोड़ा सा सेंट डाल रही हूँ मैं, ज्यादा भी नहीं डाल रही। देखो ये डेकोरेटिव वाले कैंडल्स है, तो इसका इंटेंट ही ये है कि हम इसको शोपीस की तरह रखेंगे, तो इसको हम बर्न नहीं करते। तो जैसे भी आप इसको कहाँ पे भी प्लेस करोगे ना तो उसकी अच्छी सटल सी स्मेल आती रहेगी। अभी इसको मैं वापस पोर कर दूंगी। डन, ये मेरे दोनों भी मेरे बबल कैंडल्स पोर हो गए हैं। अभी इसको हम क्योर होने को रखेंगे एंड हम दूसरे कैंडल्स पे मूव ऑन करेंगे। अभी मेरा नेक्स्ट मोल्ड है डेविड कैंडल का मोल्ड, मैंने इसको उल्टा कर दिया है। इसको भी मैं वापस मेजर आउट कर लूँगी। पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखा है मैंने और सीजर से काट लूँगी। कोई भी शार्प पिन के पिन से आप इसको अंदर पुश कर सकते हैं और ये अंदर चला गया है। अभी मुझे बस इसको उल्टा करके ये जो थ्रेड है इसको ऊपर लेना है। आ गया ऊपर। देखिए अभी ये ना ये दो पार्ट मोल्ड है, तो इसको ना मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिक्योर करना पड़ेगा, वरना पूरा वैक्स ना दोनों साइड से गिर जाएगा। सिक्योर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ सिलिकॉन के रबर बैंड्स, जो आप अपने फ्रेंडशिप डे पे यूज़ करते हो, वही मैं इसको सिक्योर करने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसको कैसे सिक्योर करती हूँ। तो ये मेरे सिलिकॉन के रबर बैंड्स हैं, ये अच्छे हैं क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं। तो मैं इसको पहले टॉप से सिक्योर करूँगी, फिर इसको थोड़ा सा घुमा के इसको बॉटम से भी सिक्योर करूंगी। इससे क्या होगा, ये बहुत टाइट होल्ड करके रहेगा और कभी लीक नहीं होगा। जैसे मैं अपना कैंडल का वैक्स पोर करूंगी, ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगा बीच में। अगर मैंने ये नहीं यूज़ किया तो पूरा लीक हो जाएगा और हमारी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो आप वैसा मत होने देना और ऐसे सिलिकॉन बैंड्स यूज़ करना। ये मैंने दो यूज़ कर लिया है, मुझे लगता है ये इनाफ है, तो मैं अभी बस दो यूज़ करके ही रखूँगी। और ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत प्रॉपर हो गया है, तो मुझे लगता नहीं है कि तीसरे की ज़रूरत है। इसको मैं बस क्लिप्स को यूज़ करके इसको मैं टाइट कर दूँगी। और चलिए इसको पोर कर लेते हैं जल्दी से। वैक्स रेडी है, इसमें मैं कोई कलर नहीं डाल रही, कुछ भी नहीं डाल रही, उसको बस ऐसे ही रखूँगी। नेचुरल सोया वैक्स का जो कलर है वही हम आने देंगे। इसको मैं उसमें धीरे धीरे पोर करते जाऊँगी।
ये हो गया है मेरा पोर और मेरी जो विक है यहाँ पे है, इसको मैं सिक्योर कर लूँगी क्लिप की हेल्प से। ये मेरी क्लिप है और ये मैंने लगा ली। अभी ये स्ट्रेट रहेगी, अभी ये ऐसे ही सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो अभी ये बारी है फीमेल कैंडल मोल्ड्स की, तो अभी मैं अगेन इसको वापस मेजर आउट कर लूँगी। पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा विक रख के हमेशा की तरह इसको उल्टा करके पिन के हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा अंदर डालूँगी। ये मेरा विक अभी अंदर चला गया है, इसको मुझे बस वापस स्ट्रेट करके जो विक है उसको बाहर पुल करना है। और ये मेरा विक आ गया है बाहर और काफ़ी विक बाहर यहाँ नीचे भी रह गया है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर हो गया है। इसको अभी मैं हमारे जो फ्रेंडशिप बैंड्स है इससे थोड़ा टाइट कर लूँगी। अगर आप ये हमारा डेविड मोल्ड देखोगे तो दो फ्रेंडशिप बैंड से ये प्रॉपरली टाइट हो गया और बिल्कुल भी वैक्स बाहर नहीं गिरा हमारा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपके पास कोई बड़ा मोल्ड है और आपका वैक्स गिरता हो तो आप इसको ट्राई कीजिए। ये बहुत अच्छा हैक है और बहुत सारा टाइम भी सेव करता है। अभी ये देखिए, मैंने अपना मोल्ड को ठीक से कवर कर लिया है। मैंने इसमें तीन बैंड लिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मोल्ड है, तो तीन बैंड से काम हो जाएगा। एंड थोड़ा ऊपर से मैंने धागा रखा है। इसके लिए मैं पिंक कलर यूज़ करूँगी क्योंकि ये फीमेल बॉडी कैंडल है और पिंक कलर इस पर बहुत अच्छा लगता है। तो लेट अस अभी जल्दी से हम पिंक कलर का वैक्स रेडी करते हैं। तो अभी मैं अपना रेड कलर यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, बस थोड़े से ही ड्रॉप्स यूज़ करूँगी। बट बिकॉज़ ये मोल्ड बड़ा है ना, तो मुझे ड्रॉप्स थोड़े ज़्यादा डालने पड़ेंगे क्योंकि मेरा वैक्स भी ज़्यादा जा रहा है इसमें। और थोड़ा सा सेंट भी डाल दूँगी। हो गया, अभी इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत स्लोली स्लोली मिक्स करिए, अच्छे से मिक्स कीजिए इसको, क्योंकि हमको कोई भी लम्स नहीं चाहिए, ना हमको चाहिए कि अनइवन सेंट आए। तो इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मेरा मिक्स हो गया है, अभी मैं इसको पोर करूँगी। धीरे धीरे पोर करते रहिए और ये देखिए मैंने पूरा पोर कर लिया है। थोड़ा सा रुकूंगी मैं क्योंकि बिकॉज इसमें शेप्स बहुत है ना, तो थोड़ा सा हमारा वैक्स नीचे सिंक होगा और ये नॉर्मल है। तो हमको क्या करना है कि हमको थोड़ा टॉप से ना थोड़ा एक्स्ट्रा पोर कर लेना है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर जाएगा तो वो सिंक हो जाएगा एंड ये जो टॉप वाला वैक्स है वो यूज़ हो जाएगा उसमें। और ये मेरा विक है ऊपर, इसको मैं अभी सिक्योर करूँगी क्लिप से। मैं चॉपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत बड़ा है तो क्लिप बैठ नहीं पाएगा। तो ये मेरी चॉपस्टिक हो गई और ये मेरा पिंक कलर पोर हो गया। मैं सेम कलर इसमें भी यूज़ करूँगी क्योंकि इसका आउटकम बहुत सुंदर आता है। मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि पिंक कलर कैसा लगे फीमेल बॉडी कैंडल पे। तो मैं अभी धीरे धीरे वापस इसमें विक कर लेती हूँ। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, हमेशा ध्यान रखिए एक्स्ट्रा थ्रेड रखने के लिए। ये भी टू पार्ट मोल्ड है अगर आप देखो तो इसके लिए भी हमको सिलिकॉन से इसे सिक्योर करना पड़ेगा।
थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए सिलिकॉन को, क्योंकि कुछ कुछ मोल्ड्स के डायमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमको थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करना पड़ता है। इसमें मैंने 3 लिए क्योंकि इसका ना कट, ये जो कट था वो बहुत बड़ा था, तो उसको प्रिवेंट, ये लीकेज प्रिवेंट करने के लिए मैंने 3 ये लिए हैं पैंट्स। ये रेडी हो गया है, नीचे से भी मेरे पास है रेड एक्स्ट्रा। अभी मैं इसको बस पोर करूँगी। इसमें मेरा पिंक वैक्स है ऑलरेडी, इसका सेंट भी है ऑलरेडी, इसको मुझे बस पोर करना है धीरे धीरे। थोड़ा सा सामने ला देती हूँ मैं। और ये हो गया है पोर, इसको बस मैं अभी क्लिप के हेल्प से सिक्योर कर दूंगी। अगर आप देखोगे मेरा कोई भी कैंडल में लीकेज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपरली सिक्योर किया है और मैंने हमेशा से राइट टूल्स यूज़ किए हैं। जैसे कि अगर जिसका डायमीटर छोटा है उसको क्लिप से काम चल जाएगा, बट अगर मेरा कैंडल बड़ा है, उसका डायमीटर बड़ा है, तो उसमें मुझे चॉपस्टिक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो आप अपने, आपका जो कोई भी आपका मोल्ड है उसका डायमीटर के हिसाब से आपको ये सस्टेनर यूज़ करने पड़ेंगे। अभी ये मेरी क्लिप है, इसको मैं इसके टॉप पे रख देती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसको अभी छोड़ देंगे तो ये वैक्स सॉलिडिफाई होगा। इसको मिनिमम 3 to 5 hours लगते हैं, तो आप उसको इतना टाइम दीजिए। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि बहुत वेटिंग गेम आ जाता है इसमें, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और इसको सॉलिडिफाई होने दीजिए। अगर इसको बीच में ही निकालोगे तो पूरा मेल्टेड वैक्स निकल जाएगा बाहर और पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड इसको सॉलिडिफाई होने दीजिए। अभी मैं इसको सॉलिडिफाई होने रख दूँगी और हम वापस मिलते हैं एज सून एज ये रेडी हो जाए। वेलकम बैक दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे हो गए हैं जे मैंने अपने कैंडल्स सारे पोर किए हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे एक एक कैंडल को अनमोल्ड करेंगे और साथ ही में हम कैंडल्स की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब हम कैंडल्स पोर करते हैं और उसको कैसे ओवरकम करें या उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो चलिए एक एक करके इनको अनमोल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैं अपना बड़ा बिग कैंडल इसको अनमोल्ड कर रही हूँ। ये एकदम फ्लैट आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है बिल्कुल भी। अगेन अभी हम अपने बबल कैंडल्स के पास आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आया है, पूरा फ्लैट है। नाउ हमारा डेविड कैंडल, जैसे अभी आप देख सकते हैं डेविड कैंडल के यहाँ पे एक सिंक होल है। चलिए देखते हैं आगे दूसरे कैंडल्स का कैसा हाल है। ये मेरा फीमेल कैंडल, यहाँ पे ये साइड पे और ये साइड पे थोड़ा सा सिंक हुआ है एंड ये लास्ट वाला है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंक होल है। तो पहले हम हमारे बबल कैंडल्स को अनमोल्ड कर लेंगे और फिर ये कैंडल्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इसका सोल्यूशन भी डिवाइस करेंगे। तो अभी मैं अपना बबल कैंडल को अनमोल्ड करूँगी। ये बहुत थेरेप्यूटिक और बहुत सैटिस्फाइंग प्रोसेस है, बहुत प्यार प्यार से कीजिए क्योंकि ये बहुत यूनिक शेप है एंड आपको शेप नहीं बिगाड़ना। तो जितना जेंटल तरीके से करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ये देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा कलर आ रहा है। अभी मैं इसको धीरे धीरे अनमोल्ड करूंगी। ये देखिए मेरा परफेक्ट बबल कैंडल। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम इसको सीधा फ्लैट रख देंगे तो फिर ये परफेक्ट सर्कल्स नहीं आएंगे, और जैसे मैंने कुशन रखा था उससे परफेक्ट सर्कल्स आए हैं। ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है। और जैसे कि मैंने बताया था, मुझे पिंक
कलर या लाइट कलर्स बच्चे अच्छे लगते हैं, तो ये पिंक पेस्टल्स में आए हैं और ये बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप अपना घर सजा रहे हो या किसी को गिफ्ट दे रहे हो, ये बहुत एक बहुत अच्छे गिफ्ट बन जाते हैं। और अगर आप नहीं बनाना है तो भी आप हमसे हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो अनइवननेस है उसका हम क्या करें। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। पहले हम इसका विक ट्रिम कर देंगे। ये मेरी विक ट्रिम हो गई। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैक्स है वो उसको मैं अपने हाथों से ही निकाल लूँगी। ठीक है, अभी आपके पास घर में ये तो होगा ही जिससे हम आलू को स्लाइस करते हैं, उसी से हमको इसको समतल करना है या स्मूथ करना है। मैं बस अभी इसको हल्के हाथों से नीचे करूँगी तो जो उसका अनइवननेस है वो शेव हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो अभी ये फ्लैट हो गया है, थोड़ा सा और कर लूँगी तो प्रॉपर शेप आ जाएगा। देखिए ये बहुत बहुत परफेक्ट है क्योंकि अभी हमको ज़्यादा भी नहीं शेव करना एंड हमारे सारे के सारे शेप्स जो बबल्स के हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है। तो ये थी हमारी बबल कैंडल, बहुत ही सुंदर बन के आई है। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अभी मैं इसको साइड में रख के अपने बड़ा बबल कैंडल को अनमोल्ड करती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आप आराम से रीयूज़ कर सकते हो। जब आप नेक्स्ट टाइम कैंडल्स बनाओ उसको रीयूज़ करो, वेस्ट मत करो। ये दूसरा वाला है मेरा बिग बबल कैंडल। मैं इसका पहले ही विक ट्रिम कर देती हूँ और अभी हम इसको धीरे धीरे अनमोल्ड करेंगे। ये बहुत ही हेवी कैंडल है। इसमें मैंने 600 ग्राम्स का वैक्स डाला था एंड ये काफ़ी बड़ी भी है साइज़ में, तो आपके घर में ये सेंटर पीस के हिसाब से बहुत सुंदर लगेगी। और कोई आपका फ्रेंड है जिसको घर सजाने का शौक़ है या जिसको इंट्रिकेट शेप्स पसंद है, उसके लिए ये बहुत अच्छा गिफ्ट भी बनेगा। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली बन के आई है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, स्काई ब्लू जैसा लाइट पेस्टल कलर आया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें कोई भी बबल नहीं है, ये इसीलिए क्योंकि मैंने वैक्स को हायर टेम्परेचर पे पोर किया था। हायर टेम्परेचर माने 80 डिग्रीज बहुत अच्छा टेम्परेचर है ये कैंडल के लिए। आप अगर इसको 80 डिग्रीज पे पोर करोगे तो ये बहुत अच्छा बन के आएगा। अभी इसको भी मैं नीचे का जो पार्ट है ये थोड़ा सा अनइवन है, इसको हम फ्लैट कर देंगे। ज्यादा भी इसको शेव नहीं करना है, बस थोड़ा सा शेव करना है, ऐसा भी ना हो जाए कि परफेक्शन के चक्कर में हम पूरे कैंडल को ही बर्बाद कर दें। जो थोड़ा सा अनइवननेस था वही मैंने निकाला है और वैसे तो ये हैंडमेड प्रोडक्ट है तो अगर थोड़ा सा अनइवननेस रहा तो भी इट्स ओके बिकॉज इट्स वन ऑफ अ काइंड। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे फीमेल कैंडल पे। तो ये हमारा फीमेल बॉडी कैंडल है। इसको मैं पहले धीरे से निकालूंगी, ये जो सिलिकॉन के रबर बैंड्स है इसको मैं पहले धीरे से निकाल लूंगी। ये रबर बैंड्स रीयूजेबल है तो आपको इसको काटना नहीं है, उसको बस धीरे से निकाल दीजिए और आप उसको बहुत टाइम तक रीयूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा बस थोड़ा सा ही डिप्स आया है। ठीक है, अगर मैं अपने होम पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये बस बॉटम का पार्ट है। बट अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं तो उसको बस टॉप लेयर को वापस थोड़ा सा फिल कर दीजिए और ये एकदम स्मूथ हो जाएगा।
बिकॉज ये मेरे घर के लिए ही कर रही हूँ, तो मैं इसको स्मूथ नहीं कर रही और मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। और अभी मैं इसका अनवील करूँगी। ये एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डिज़ाइन है एंड आई होप आपको ये पसंद आए। थोड़ा सा डेलिकेट भी है तो मुझे भी थोड़ा डर लगता है इसको अनमोल्ड करते टाइम। मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ अभी। ये देखिए, ये है हमारा फीमेल बॉडी कैंडल। बेसिकली ये हमारी ब्यूटी से इंस्पायर्ड है एंड इसी को इंस्पिरेशन लेके मैंने इसे बनाया था। आई होप ये आपको पसंद आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका पेस्टल कलर्स बहुत सुंदर लग रहा है एंड इसकी सारी डिज़ाइंस, जैसे आप देखोगे इसमें कुछ भी बबल्स वगैरह, क्योंकि मैंने टेम्परेचर का ध्यान दिया था और मैंने ध्यान दिया था कि मैं अपना पोरिंग बहुत स्लोली करूं, तो मैंने सारी चीज़ों का ध्यान दिया था। और अगर आप इसको देखो, मेरा कोई भी कलर ना, ये यहाँ पे भी कोई भी अनइवन कलर नहीं है, सारा कलर्स इवन ही है, सब सेम लग रहा है। एंड अगर आप थोड़ा देखोगे यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े वाइट स्पॉट्स दिखेंगे। इसका मतलब ही ये है कि ये प्योर सोया वैक्स है। प्योर सोया वैक्स में थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग होता है एंड वो बहुत कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा जानने के लिए कि जो आपका वैक्स है वो प्योर क्वालिटी है, टॉप क्वालिटी का वैक्स है। अगर ये ना आए तब आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि मेरा फ्रॉस्टिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि सोया वैक्स का ये नेचुरल फीचर है कि एवरी सोया वैक्स को थोड़ा फ्रॉस्टिंग होगा ही होगा। तो ये एक टिप है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका वैक्स का क्वालिटी कैसा है। तो ये थी हमारी फीमेल बॉडी कैंडल। अभी मैं मूव ऑन करूँगी हमारे नेक्स्ट कैंडल पे। ये हमारा डेविड कैंडल है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंक होल है। सिमिलरली जो मेरा स्मॉल फीमेल बॉडी कैंडल है उसमें भी यहाँ पे एक सिंक होल है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको भी रिपेयर करेंगे। इसको निकालना नहीं है हमको, हमको बस थोड़ा सा वाइट, फॉर हमारे डेविड कैंडल के लिए हमको थोड़ा सा वाइट वैक्स पिघलाना है और उसको ये जो सिंक होल है उसको कवर कर देना है। तो मैं अभी क्या करूँगी, थोड़ा सा वैक्स लूँगी और इसको कवर करूँगी। तो अभी मैंने अपना वैक्स को मेल्ट कर दिया है। मैं अभी इसको धीरे धीरे पोर करूँगी जब तक कि ये सिंक होल स्टॉप ना हो जाए। देखिए ये बहुत छोटा सा सिंक होल था और मैंने इसको पोर कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको टैप कर रही हूँ तो मुझे पता चले इसमें और है क्या नहीं। डिपिंग ओके, ये इतना ही है। थोड़ा सा मैं इसको टॉप कर लेती हूँ और अभी हम रुकेंगे जब तक ये सॉलिडिफाई ना हो जाए। सिमिलरली इसके लिए अब मैं पिंक वैक्स डालूँगी। अभी मैं इसको बस पोर कर लूँगी। मैंने पिंक वैक्स ले लिया है। अभी हम वेट करेंगे कि ये सॉलिडिफाई हो जाए, उसके बाद हम इसको अनमोल्ड कर लेंगे। ये मेरा डेविड मोल्ड है। अभी मैंने इसमें जो वैक्स डाला था अभी वो पूरा सूख गया है, सॉलिडिफाई हो गया है। अब मैं इसे धीरे धीरे करके अनमोल्ड करूँगी। बहुत हैवी मोल्ड है ये, बहुत ध्यान से इसको अनमोल्ड करना है बिकॉज इसका शेप बहुत इंट्रिकेट है, बहुत डेलिकेट शेप है और बहुत सुंदर भी है। तो थोड़ा ध्यान से हमको इसको निकालना है और ये निकल गया है। ये देखिए, ये हमारा डेविड। ये ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, सॉरी ये एक आर्ट से इंस्पायर्ड है। माइकल एंजेलो का पेंटिंग था, स्कल्पचर था, उससे इंस्पायर्ड है ये।
और ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये अबाउट 15 सेंटीमीटर है और ये भी एक डेकोरेटिव कैंडल का ही पार्ट है। इसका मैं टॉप का विक काट दूंगी और इसका बॉटम का विक काट दूंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो बॉटम का अनइवननेस है, इसको हम धीरे से ट्रिम कर देंगे, शेव कर देंगे। तो ये देखिए, एकदम फ्लैट बन गया है, एकदम स्मूथ बन गया है। तो ये था हमारा डेविड मोल्ड, सॉरी हमारा डेविड कैंडल। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग कैंडल है ये। अभी मैं मूव ऑन करती हूँ हमारे फीमेल कैंडल पे। धीरे से निकालना है, घाई नहीं करनी, बिकॉज ये वैक्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अनलाइक हमारे मेटल्स। तो हमको बहुत प्यार प्यार से निकालना है इसको। ये भी टू पार्ट मोल्ड है जैसे कि मैंने बताया था। ओके, मैं बस धीरे से निकालूंगी। ओके, ये हमारा फीमेल बॉडी कैंडल। ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर। जैसे आप देख सकते हो, पूरा पिंक, प्रॉपर पिंक आया है और बहुत सुंदर लग रहा है ये। ये हमारी फीमेल बॉडी की खूबसूरती को दर्शाता है, विच आई फील इज़ वेरी नाइस। बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। एंड ये एक सेंटर पीस के हिसाब से हम घर पे लगा सकते हैं, किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट दे सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा DIY प्रोजेक्ट भी बन सकता है। तो ये थी हमारी फीमेल कैंडल। यहाँ की भी हम पहले विक निकाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सारे डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको बर्न कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप सजावट के हिसाब से घर पे रखिए, बहुत अच्छे लगता है। एंड ये देखिए, ये भी अभी स्मूथ हो गया। एंड प्लीज़ मेक श्योर जो भी आपका वैक्स बचे उसको वेस्ट मत करना, उसको रीयूज करते रहना। तो ये थे हमारे कैंडल्स। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो तरह तरह के शेप वाले कैंडल्स बनाने की। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। एंड अभी हम क्या करेंगे, मुझे यूजुअली बहुत सारे DMs और ईमेल्स आते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे, और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी हम यही फॉलो करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और उसी पे मैं वीडियो बनाऊँगी। तो जो सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं अभी दिमाग में आ रहे होंगे, उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको कोलेट करके एक वीडियो बना दूँगी। एंड बस यही है आज की, ये थी आज की वीडियो, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इंटरेस्ट है इन कैंडल्स को परचेज करने में, तो हमारी वेबसाइट पे जाइए। हमारी वेबसाइट पे ये सारे कैंडल्स अवेलेबल है, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और जो सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। जैसे कि मैंने बताया, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने पर्सनली यूज़ किए हुए हैं, तो आप आराम से चिंता किए बिना उनको ख़रीद सकते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड मैं आपको हेल्प करूँगी। बाय बाय।